बर्फबारी हुई 3 तारीख रात से जो शुरू हुई, तो उसमें ऑलरेडी हमें डिपार्टमेंट्स को पता था, मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स थी कि लाइट टू मॉडरेट जो है स्नोफॉल होने वाला है। उस हिसाब से जो है हमने अपने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में उसके लिए पूरी तैयारियां की थी। हमने इन एंटिसिपेशन जो है पहले ही हमने मीटिंग्स इसके हवाले से की, और अपने जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो स्नो क्लियरेंस के हवाले से काम करते हैं, या हमारा पीएचई है, हेल्थ है, या जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारा, म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल है, आरएनबी है, पीएमजीएसवाई, सबों को हमने मुतारे करके रखा था ताकि किसी किस्म की इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो कामयाब रहे। तो इस सिलसिले में जब बर्फबारी हमारी 3 तारीख रात देर के स्टार्ट हुई और 4-5 तारीख के दरमियान जो बर्फबारी लगातार रही, हमने कोशिश की कि 70% ऑफ रोड्स, उसमें जो हमारी मेन ट्रंक रोड्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली रोड्स हैं हमारी, उसके अलावा जो हमारे यहाँ अपने जो पीआईसीज हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, स्पेशली प्रायोरिटी वन में आते हैं, उनको हमने क्लियर किया। और इसके अलावा हर तहसील हेडक्वार्टर, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर को हमने कनेक्ट करके रखा था। ओवरऑल जो है हमारी 70% उसमें प्रोग्रेस रही। 5 तारीख को ज्यादा स्पेल हुआ, रात गए तक बर्फबारी जो जारी रही, उसमें स्नो क्लियरेंस और ट्रैफिक के चलते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर दिन को आ रही थी, लेकिन हमने जो हमारे एमईडी है, पीएमजीएसवाई, आरएनबी है, इनको हमने मुतहरक करके रखा था। इन्होंने रात भर अपना ऑपरेशन चलाकर 8 तारीख को जो है हमारी रोड्स जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की है वो 100% थ्रो हो गई। और इसके अलावा जो है हमारा पावर सप्लाई का जो सिनेरियो है, पावर सप्लाई में हमारे 57 जो फीडर्स हैं, फर्स्ट स्पेल ऑफ स्नोफॉल जो हुआ उसमें हमारे फीडर्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और मैक्सिमम ऑफ द फीडर्स जो हैं वो काम करते थे। हाँ, जो 5 तारीख की जो 6 तारीख की बर्फबारी रही दिन भर, उसमें हमारे ऑपरेशंस थोड़ा सा रुक गए क्योंकि बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही थी। इन स्पाइट ऑफ हैवी स्नोफॉल हमारी ये कोशिश रही कि ज्यादा मैक्सिमम फीडर्स को चालू रखा जाए, और हमारे पीडीडी ने जो हमारे नीचे ग्राउंड लेवल से लाइनमैन से लेकर हमारे ऊपर वाले एसी लेवल तक, उन्होंने काफी जानफशानी से काम किया, और ये जो रिस्टोर्स जो फीडर नहीं थे उनको भी दूसरे दिन रिस्टोर किया, और हमारे जो 57 फीडर्स हैं ये सभी 57 फीडर्स 8 तारीख मॉर्निंग में रिस्टोर हो गए। इसके अलावा हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स जैसे हैं, वाटर सप्लाई स्कीम में हमारी 137 जो है डिस्ट्रिक्ट की स्कीम्स है, उसमें 36 जो है लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्स हैं, और इन स्कीम्स को बर्फ की वजह से 7 स्कीम जो हमारी कंगन की हैं, और ये सारी लिफ्ट स्कीम्स को स्नोफॉल और फ्रॉस्ट से थोड़ा सा डैमेज हो गया था, और इमीडिएटली हमने अपने स्टाफ को एक्टिवेट करके उस डैमेज को पार्शली रिस्टोर किया, और पानी की जो भी स्कीम है हमारी वो स्टार्ट करवा दी। उसके अलावा हमने 9 टैंकर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं पीएचई के पास, उनको भी हमने स्टैंड बाय रखा हुआ था, जहां पर हमें कहीं पर भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, जहां से डिमांड आई हमने टैंकर सर्विस से वहां पर पानी पहुंचाया। उसके अलावा जो हमारा फूड एंड सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो है माकूल हमने फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी रखी थी। आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें हमारा एलपीजी आता है, हमारा पेट्रोल आता है, डीजल आता है, और राशन जो है हमें एबंडेंट क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल रहा। अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट में है 1 महीने का राशन अभी भी अवेलेबल है, और उसके अलावा 10 से 12 दिन का जो है हमारा एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। लोगों को ऑन दिस अकाउंट किसी भी चिंता, किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूट थे, और डे 1 से जब से हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ तब से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन की बात करें, या दूसरे हमारे जो पीएसीज हैं, एनटीपीएसीज हैं, ये कुल मिला के 55 जो हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के, नॉर्मल वर्क पे काम होता रहा, और हीटिंग की माकूल अरेंजमेंट्स वहां पर भी हमने लगवाए थे। और इसके अलावा जो आप देखें एज पर रिकॉर्ड्स, हमारे इनडोर पेशेंट्स जो हैं इन दिनों 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगभग 157 हमारे इंडोर पेशेंट्स आ गए, और उनका माकूल हमने उनको जो है ट्रीटमेंट दिलवाया। इसके अलावा मेजर सर्जरीज भी 4-5 के करीब जो है वो हमारी होगी कंगन सब ट्रॉमा हॉस्पिटल में। तो कुल मिला के जो हमारा हेल्थ का जो सेटअप है बिल्कुल
ये इंटैक्ट है और ज्यूरिंग स्नोफॉल भी इंटैक्ट रहा, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम किसी को भी दरपेश नहीं आई। उसके अलावा जो है हमारी मार्केट, आपको पता है कि जब भी स्नोफॉल होता है या इंक्रीमेंट वेदर होता है, हाईवे जब हमारा बंद हो जाता है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कुछ खुदगर्ज अनासर भी होते हैं जो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं। उस होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हमने यहाँ पे मार्केट चेकिंग करवाई। हमने गांधरबल में मैं खुद भी एक बार मार्केट चेकिंग टीम के साथ निकला, हमने देखा अवेलेबिलिटी भी वेजिटेबल्स की, एसेंशियल कमोडिटीज की मार्केट में ठीक थी और रेड लिस्ट भी डिस्प्ले करके रखी हुई थी। इसी तरह से हमने कोशिश की कि कंगन में या बाकी तहसील हेडक्वार्टर्स पर भी ऐसे ही मार्केट चेकिंग हो ताकि हम ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग का कलाकामा कर सकें, और इंशाल्लाह हम कामयाब भी हुए। इसके अलावा जो है हमारा जो अभी कंट्रोल रूम है, हमने 24/7 कंट्रोल रूम अपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है अपने मिनी सेक्टर गांधरबल में, जिसके जो नंबरात हैं हमने, आप जानते हो, हमने वाइट पब्लिसिटी उसको दी है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा हमने उसको पब्लिसाइज किया कर रखा, ताकि कोई भी किसी किस्म की भी किसी को शिकायत और ग्रीवेंस हो वो कॉल करे और इमीडिएटली हम उस पर पहुंच पाए और ग्रीवेंस को रिजॉल्व करें। इस सिलसिले में हमारे, हमने देखा कि 300-350 के करीब हमारे कॉल्स आए जिनको प्रॉपरली हमने इन्वेंटराइज किया है, रजिस्टर्स बनाए, कौन सी कंप्लेंट थी, किस किस्म किसको अटेंड करनी थी और किसको हमने भेजी, फॉरवर्ड की और फिर उसका फीडबैक क्या रहा, उसका रिजॉल्व हो गया मसला या नहीं, वो हमने सिस्टम जो है अपना बना के रखा है। और माशाल्लाह जो भी हमने कॉल्स रिसीव की उन पर हमने इमीडिएटली रिएक्ट किया और जो भी लोगों के मसाइल थे विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, विद इन आवर कॉम्पिटेंस जो भी था, हमने कुछ वक्त खोए बगैर भी उनके वो मसले मसाइल जो हैं वो हल किए। और उसके अलावा जो है हमने हर वक्त ही कहा है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रिपेयर्ड है लोगों के किसी भी ग्रीवेंस को सुनने के लिए और किसी भी ग्रीवेंस को कम से कम टाइम में विद इन द कॉम्पिटेंस हल करने में हम कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जैसे आप जानते हैं मीडिया जो है हमारा फोर्थ पिलर है, मीडिया का ये बहुत ज्यादा रोल बनता है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, जो भी गवर्नमेंट करती है या जो भी अच्छे काम होते हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए, और आप ही का मीडियम है जिसके थ्रू मैंने आपको बुलाया और मैं अपने जिला के अपने आवाम को ये बात कहना चाहता हूं कि अभी भी जो है हमारी जो स्नो क्लियर, पोस्ट स्नो के बाद बात करें, हमारे जो भी रोड्स हैं 100% जिनसे बर्फ हटाया गया है, जहां पर किसी को कहीं मुश्किलात हो, फ्रॉस्ट लगा हो या डबल लेन का प्रॉब्लम आता हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और हमने अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करें और इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी देखेंगे हम, उसके लिए भी हम यहाँ पे उसको भी रिजॉल्व करने के लिए। अगर आप अभी पावर सप्लाई का देखा जाए 100% हमारे फीडर्स आपके 57 फीडर्स आते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में है, किसी भी किस्म की परेशानी हमारे यहाँ के जिला के आम को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी और कोई ग्रीवेंस हो और कोई मुश्किलात हो उसके लिए भी हम हाजिर हैं और हम लोगों के मफाद के लिए जो भी काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन वो करने में पेश रहेगी। हमारे डिमेजन में हमने इनिशियल जो रिपोर्ट से हमारे स्नोफॉल में हमने अपने फील्ड एजेंसी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो हॉर्टिकल्चर उनसे हमने ले लिया है, हॉर्टिकल्चर के हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता हमारे जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, काउ शेड्स हैं, किचन हैं, कोठाज हैं, तो वो हमारे कुछ डैमेज हुए इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स मिली 82 हैं वो, और 82 के जो है हमारे पास डिटेल्स हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जायज जिसका रह गया होगा वो भी हम देखेंगे। और अभी जो आपको पता है कल जो हमारी जो मीटिंग हुई, कल जो VC हुई, ऑनरेबल LG साहब ने हमारी DC's के साथ, SP's के साथ जो कल दी है, उसमें जो है गवर्नमेंट ने इस स्नोफॉल को, हैवी स्नोफॉल था, इसको स्टेट स्पेसिफिक नेचुरल क्लाइमेटी डिक्लेयर किया हुआ है, और ये जो भी डैमेजेस हैं इसमें SDRF में अब कवर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह जिस किस्म के जिनको नुकसान हुआ होगा वो हम असेसमेंट करके उनको दिलवा देंगे। ऑनरेबल LG साहब ने अनाउंसमेंट किया कि हर डिस्ट्रिक्ट को ये स्नोफॉल के चलते हुए देखा गया, काफी इमरजेंसी आती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको कहीं ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है, लिफ्ट करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है, जबकि बर्फबारी में हमारी जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं वो 2x2 जो व्हीकल्स वो चल नहीं पाती है कहीं पर कोहरे की वजह से, कहीं फिसलन की वजह से। तो ये भी उनने हमें डायरेक्ट किया कि 10-10 जो लाख रुपया है
एसडीआरएफ में हर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, जिसमें वो एक रेस्क्यू गाड़ी परचेज करेंगे।